पतरातू प्रखंड के हेहल गांव में करमाली टोला में नाबालिग लड़की के किसी लड़की के प्रेम करने पर गांव वालों ने पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। सरकारी कुओं से पानी भरने पर भी रोक लगा दी है, पूरे परिवार पर पाबंदी लगा दी गई है। वो गांव के किसी भी घर में आ जा नहीं सकते और साथ ही लोगों को बातचीत नहीं करने की भी चेतावनी दी गई है। सामाजिक बहिष्कार किए गए परिवार से बात करने और किसी भी प्रकार की मदद करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इससे 3 दिनों से पीड़ित परिवार के घर में चूल्हा नहीं जला है। पीड़ित परिवार के मुखिया ने बताया कि अगर ऐसा रहा तो वो सामूहिक रूप से परिवार के सभी सदस्य आत्मदाह कर लेंगे। नाबालिग किसी लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने कुछ दिनों बाद दोनों को बरामद कर आपसी समझौते कर मामले का निपटारा भी कर दिया था। गांव के ही कुछ युवक इसका विरोध कर रहे थे। तो एक परिवार का बहिष्कार किया गया और बहिष्कार इसलिए कि घर की लड़की ने घर से भागकर शादी कर ली थी। पानी हम लोग को बोल दे, पानी यहाँ नहीं लेने देंगे, यहाँ से भागो, यहाँ से निकलो, यहाँ से पानी नहीं लेने देंगे पानी पीने के लिए। यहाँ पे जो मुखिया था वो बोला कि जो आती, अच्छा मेरा भी थोड़ा दूसरा काम है, बाद में हम लोग को बताएंगे, उसके बाद हम जो डिसीजन होगा हम करवा देंगे पानी का विषय में बोला। लेकिन अभी तक भी मुखिया भी नहीं आए हैं। ये है कि एक यहाँ करमाली परिवार है, कुछ उसके घर में पारिवारिक माहौल थोड़ा सा खराब हो गया था, आपसी परिवार में कुछ थोड़ा सा तनातनी हुआ था, उसके लेकर के ये लोग समाज के लोग, करमाली समाज के लोग बैठक किए थे। मामला आया तो हमने जाकर प्रयास किया कि इसका पानी भाई नहीं रोका जाए, लेकिन आज फिर हमको मालूम चला कि अभी तक लोग पानी नहीं दिया है। अभी मैं तुरंत यहाँ के बाद जाऊंगा स्पॉट में और उन लोग पर तुरंत एक्शन लूंगा। अगर बाय द वे अगर लोग नहीं मानते हैं तो हम कानूनी सहारा लेकर के जो इनको मना कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करवा। तो लोगों से बातचीत और मदद करने पर पाबंदी लगा दी गई है। पीड़ित परिवार ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। तो एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। और महावीर हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ गए हैं। महावीर, ये कैसी जगह हम रह रहे हैं, ये कैसी दुनिया है जहां पर एक लड़की के प्रेम करने की सजा उसके पूरे परिवार को दी जाती है, पानी नहीं लेने दिया जाता है, खाना नहीं खाने दिया जाता है, बातचीत की मनाही है, ये क्या तालिबानी फरमान है? जी आपने ठीक कहा, ये पूरा तालिबानी फरमान जैसा लग रहा है। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि 2 दिन हो गए हैं, इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारियों को भी दे दी गई है, लेकिन किसी भी वरीय पदाधिकारी ने इसमें संज्ञान नहीं लिया है। और जब इस संबंध में अधिकारियों से पूछा गया तो उनका कहना है कि उन लोगों को अभी तक पीड़ित परिवार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है, कोई शिकायत नहीं मिली है। जब हमें जानकारी मिलेगी तब आगे की कार्रवाई करेंगे। आपको बतला दूं कि एक नाबालिग लड़की थी, नाबालिग में उसने एक लड़के से प्रेम कर लिया और गांव छोड़कर भाग गई। कुछ दिन बाद पुलिस ने उसे बरामद किया, आपसी समझौता के बाद मामले को निपटा दिया गया क्योंकि दोनों नाबालिग थे। उसके बाद गांव के लोग उसको पूरे परिवार को सजा दे रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, उनको जो सरकारी कुआं है उसे पानी भरने नहीं दिया जा रहा, 3 दिनों से उसके घर में चूल्हा तक नहीं जला है और वो लोग एक तरह से समझे तो भूखे प्यासे घर में रह कैद हो गए हैं। उन्हें पूरे गांव में किसी से भी बात करने पे मनाही है और गलती से किसी ने उससे बात कर लिया उस परिवार से तो उसे जुर्माना वसूलने की भी बात कही जा रही है। और इस तरह का जो बात है वो पूरे रामगढ़ जिले में हो रही है और लेकिन अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही, जो बहुत ही आश्चर्य की बात है। जी बिल्कुल महावीर, अधिकारियों तक जब ये बात पहुंची थी तो अधिकारियों को आकर के इसमें बीच बचाव करना चाहिए था, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए था। पहली बात तो ये कि प्यार करना कोई अपराध नहीं, और अगर आप इसे अपराध मानते हैं तो उसकी सजा उसके परिवार को क्यों मिल रही है? और सजा भी ऐसी कि आप पानी नहीं पीने देंगे, खाना नहीं खाने देंगे, लोगों से बात नहीं करने देंगे, ये कैसी दुनिया है, ये कैसा न्याय है? जी ये पूरी तरह जो पीड़ित परिवार है उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। गांव वाले, वो पूरा गांव 15 परिवारों का गांव है,
बहुत बड़ा गांव भी नहीं है और 15 परिवार जो भी हैं, जो हमें जानकारी मिली आज वहां पे जाने के बाद, तो वो सारे आपस में सगे संबंधी हैं। उसके बाद भी इस तरह का फरमान जारी करके उस परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक तरह से कहा जा सकता है कि उस गांव छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। उनकी जो जमीन है उस पे जाने से भी मना किया जा रहा है, आज जब हम वहां पे गए तो पता चला। और इस सबसे तंग आके पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो लोग मौत को गले लगाएंगे। बिल्कुल महावीर, जब आप इस खबर को लेकर के अधिकारियों तक पहुंचे तो आपको क्या जवाब मिला, क्या कहा अधिकारियों ने? पहले तो अधिकारी न्यूज 11 के कैमरा का सामना करने का साहस नहीं जुटा सके, लेकिन उसके बाद जब हमने कैमरा बंद किया तो उनका कहना है कि पीड़ित परिवार की तरफ से हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। वहाँ के जो मुखिया हैं शर्मा जी, उनसे भी हमने बात की, उनका कहना है कि जब हमको जानकारी मिली थी हम गांव में गए थे और उन लोगों को डांट डपट किए हैं कि पानी और खाना बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है, और लेकिन उसके बावजूद तो वहाँ पे पुलों का रवैया वही है और पीड़ित परिवार प्रताड़ित हो रहा है। महावीर, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ SDO जावेद हसन जी हैं, जावेद हुसैन जी हैं। जावेद हुसैन जी, यह खबर आप तक भी पहुंची होगी कि एक नाबालिग ने प्यार किया, उसके बाद उसको उसके पूरे परिवार को सजा दी गई, सजा भी ऐसी कि जैसे जैसे हम तालिबान में रह रहे हों। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई, हमारे जो भी अधिकारी हैं, हम लोगों ने उनको भेजा स्पॉट पे और जाके वो इंक्वायरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपके कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचे, और अब वो परिवार ये कह रहा है कि हम आत्मदाह कर लेंगे। अगर उन्होंने आत्मदाह कर लिया तो ये जवाबदेही किसकी होगी? नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहें, हमारे पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और बिल्कुल ही पहुंचेंगे। कल भी हमने सूचना दिया था अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उन्होंने इसको संज्ञान लिया था, अभी भी मैंने अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है और स्पॉट पे जाकर खुद ही वेरीफाई करेंगे, आप निश्चिंत रहें इसको लेकर। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो SDO को सुन रहे थे आप, जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा कि उनके अधिकारी यहाँ PO पर पहुंचे हैं और जो पीड़ित परिवार है उनके साथ वो खड़े हैं और उनको पूरा न्याय दिलाया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।